ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल 20 अप्रैल 2023 को वैशाख मास की अमावस्या है और इस बार की अमावस्या गुरुवार के दिन है। देखिए, गुरुवार के दिन जब भी कोई अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि आती है तो इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथियां हैं। इन दिनों में अगर हम कोई भी पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही जब गुरुवार के दिन आ जाता है, पूर्णिमा या अमावस्या का दिन, तो ऐसे में दुगना फल पूजा पाठ का हमें प्राप्त होता है। कोई भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, या फिर आप मंत्रों का जप करते हैं, या कोई विशेष उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किए गए जो उपाय होते हैं, इनका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और इसमें भी जब सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस प्रकार से हो जाता है जैसे कि सोने पर सुहागा। तो कल पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आप सभी जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग का महत्व कितना अधिक होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस योग में किए गए किसी भी कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो कल गुरुवार का दिन भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमावस्या की तिथि भी है, वैशाख मास की अमावस्या है। ध्यान रखिए, वैसे तो हर महीने की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे महीने में ही स्नान दान कर रहे हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे महीने में स्नान दान नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश। तो ऐसे में अमावस्या की तिथि, पूर्णिमा की तिथि, एकादशी, त्रयोदशी, इस प्रकार की जो शुभ तिथियां होती हैं, इन दिनों में अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो आपको पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कल आपको जरूर करने चाहिए। अमावस्या तिथि पर, गुरुवारी अमावस्या तिथि पर और सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया जो ये उपाय है, ये उपाय आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। और कोई भी आपकी परेशानी हो जीवन की, कितनी भी बड़ी समस्या हो, निश्चित ही इन उपायों से आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो बहुत शुभ दिन है और बहुत ही छोटे छोटे उपाय, जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे शेयर करती हूँ, शास्त्रों में वर्णित वो सरल उपाय आपसे शेयर करती हूँ जो कि आप बहुत आसानी से कर पाएं और लाभ तो आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कल जो अमावस्या तिथि है, इसके बारे में एक उपाय मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। आज कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सरल है। तो सबसे पहला उपाय पीपल का है। देखिए, पीपल की पूजा अमावस्या तिथि के दिन जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष विधि भी होती है और कुछ शुभ मुहूर्त भी होता है। सुबह सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय जब हो जाता है, जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय हो जाता है उसके बाद करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और जैसे कि इस बार 9:41 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, तो सुबह सूर्योदय से लेकर और 9:41 तक सुबह आप पूजा आराधना कर सकते हैं पीपल की, कोई समस्या नहीं है। पीपल में आज कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, तो अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध उपलब्ध है तो गाय के कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। गाय का दूध ना मिले तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप उस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी दूध उपलब्ध हो, बस इस बात का ध्यान रखिए कच्चा दूध होना चाहिए। तो आपको एक पात्र लेना है, उसी पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, जल से उस पात्र को भर दीजिए, उसी पात्र में आपको थोड़ा सा मिश्री डाल देना है, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और ये जल का पात्र आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसी से वृक्ष देवता की पूजा कर लीजिए, एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक आप सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। और हाँ, पीपल के नीचे जो आप दीप दान करते हैं उसमें आप चाहे तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप तिल तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध ना हो तो आपके पास सरसों का तेल है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आपके पास शुद्ध घी या तिल तेल हो तो उसी का दीपक आज प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि गुरुवारी अमावस्या है। अगर आप तिल तेल या शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा।
और पीपल की पूजा करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। 4 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं, समय हो तो 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, अपने मन की कामना कह सकते हैं। आज के दिन अगर आप पीपल के नीचे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो विश्वास रखिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। तो अगर आपके पास इतना समय उपलब्ध है या फिर आप कर पाते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पीपल वृक्ष के नीचे करना चाहिए। अगर आपके पास इतना समय ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर या खड़े होकर जरूर करना चाहिए। उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, अपने जीवन की परेशानियां अपने पितरों को स्मरण करते हुए कहिए, तो निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं और आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। और अगर आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना है, संतान की कामना है, विवाह की कामना है या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन, गुरुवार के दिन आपको तुलसी की जड़ को दूध से सींचना चाहिए। गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो गाय का दूध प्रयोग कीजिए, गाय का दूध नहीं मिलता है तो कोई भी दूध कच्चा होना चाहिए, उसी दूध को तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए होता है, 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, इतना ही चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा दूध मत डालिए नहीं तो तुलसी में कीड़े लग जाते हैं। और कच्चा दूध अर्पित करने के बाद थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी भी तुलसी की जड़ में जरूर अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप दीप और पीले पुष्प से तुलसी की पूजा आराधना कीजिए। तुलसी के पास बैठकर माँ तुलसी के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ये मंत्र अगर आप 108 बार आज के दिन यानी कि गुरुवारी अमावस्या के दिन जपते हैं या किसी भी गुरुवार के दिन जपते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये उपाय जरूर कर लीजिए। और हाँ, तुलसी की पूजा जो की जाती है सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। और जैसे कि गुरुवारी अमावस्या है तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपने मन की कामना करते हुए तुलसी में एक पीला धागा बांध दीजिए और इस धागे को बंधा रहने दीजिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। मंत्र जप और पूजा प्रतिदिन कीजिए। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय पूजा आराधना कीजिए। विश्वास रखिए माँ तुलसी की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, जैसे कि अमावस्या है वैसे भी प्रतिदिन आप तुलसी में दीपदान करते ही होंगे, आज विशेष रूप से कीजिए। तुलसी के पास जब आप दीपदान करेंगे शाम के समय तो उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर डाल दीजिए। और अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, नौकरी और व्यापार में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, संतान की प्राप्ति में बाधाएं हैं, आपकी शादी होने में भी बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो आज के दिन आपको कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। कोई भी आपकी परेशानी हो सकती है लेकिन इस दान से निश्चित ही आपकी परेशानी दूर होती है। आपको चाहिए थोड़ा सा पीला कपड़ा, 1 मीटर ले सकते हैं, 1.25 मीटर ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा भी ले सकते हैं, एक छोटा सा रुमाल भी पीले रंग का आप ले सकते हैं। उसी पीले कपड़े में आपको चने की दाल रखनी है, गुड़ रखना है और इसके साथ ही थोड़ी सी साबुत हल्दी रखनी है। साबुत हल्दी ना हो तो ऐसे में आप पीसी हुई हल्दी, जो हल्दी पाउडर होता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 पैकेट या उससे भी कम हल्दी पाउडर रख सकते हैं। थोड़े से केले रख दीजिए और थोड़े से पीले पुष्प रख दीजिए। आप गेंदे का या कोई सा भी पीला पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी आप उसी दान की सामग्री में रखेंगे। इसके साथ ही कुछ पैसे रख दीजिए। अब सामग्री कितनी लेनी है आपको, देखिए अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 1 किलो या 1.25 किलो तक या इससे कम ज़्यादा, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप चने की दाल ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं और केले भी अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल मात्रा आपके अपने हिसाब से होनी चाहिए। आप चाहें तो 250-300 ग्राम तक भी चने ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो 1.25 किलो तक भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए जितना आप चने की दाल लेंगे उतना ही आप गुड़ भी लेंगे, मात्रा बराबर होनी चाहिए। और इसके साथ ही जैसे कि केले हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 4 केले भी ले सकते हैं, 1 दर्जन भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। दान तो देखिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है और जितना हम दान देते हैं उससे कहीं हमें प्राप्त होता है अधिक, इसलिए दान देते वक्त मन खुला रखना चाहिए, हाथ खुला रखना चाहिए। तो ये सभी सामग्री पीले कपड़े में बांध दीजिए। सुबह के समय श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए, विधि विधान से जैसे पूजा की जाती है, धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सामर्थ्य हो उसके अनुसार माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और पूजा करने के बाद जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानियां कहिए। आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई भी परेशानी आपकी जीवन की हो, सभी परेशानियां भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपसे या आपके परिवार से जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें और आपको कष्टों से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद
आपके पास जो भी सामग्री है, जो आपने ये दान की सामग्री एक पोटली में बांधी है, ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को, किसी धर्म स्थान में या किसी पुजारी को दान कर दीजिए। दक्षिणा जरूर रखिए और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। और ये दान आपको आज ही करना है, मतलब 20 अप्रैल को आप ये दान कर दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। इस एकमात्र दान से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। तो ये उपाय कल आप जरूर कर लीजिए अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में है तो। और हाँ, अब कुछ बहुत जरूरी बातें, जैसे कि आज गुरुवार भी है, तो जैसा मैं आपको हर बार कहती हूँ, सिर्फ याद दिला रही हूँ इस बार, कल गुरुवार है तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और पूरे घर में जल का छिड़काव जरूर कर लीजिए। और हाँ, घर की साफ सफाई तो आपने आज ही कर ली होगी, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो कल घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लीजिए। और स्वास्तिक जब आप बनाते हैं तो स्वास्तिक के दोनों तरफ दो लाइनें खींची जाती हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, तो वो भी जरूर बनाइए। और स्वास्तिक बनाने के बाद आपको धूप दीप से उस स्वास्तिक का पूजा भी करना होता है, क्योंकि वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और भगवान गणेश का स्वरूप मानकर हम घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जो स्वास्तिक बनाते हैं, वो इसलिए ताकि किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से हमारे घर की रक्षा हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में ना हो। तो ये उपाय कल आपको जरूर करना है। और जैसे कि आप पीपल की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, उसी प्रकार से घर के आसपास कोई और भी देव वृक्ष हो तो उनकी भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। आज के दिन देव वृक्षों में अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, सुख समृद्धि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो ये कार्य जरूर कर लीजिए। और हाँ, परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। और घर में अगर ठाकुर जी विराजित हैं, लड्डू गोपाल जी हैं या फिर श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, तो जल में हल्दी मिलाकर उसी जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। और इसी जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं, फिर अलग से आपको हल्दी वाला जल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बाकी के सभी उपाय मैं दूसरी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। नारियल वाला उपाय एक बताया है कल की वीडियो में, तो हो सके तो उस उपाय को भी जरूर कर लीजिए। और हाँ, जो भी उपाय मैं आपको वीडियो में शेयर करती हूँ, ये सभी उपाय बिल्कुल सात्विक उपाय हैं, तो आप एक साथ कई उपाय भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाएंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अक्षय तृतीया से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।